दोस्तों मसाला डाल दिए हैं अभी और पूरा अच्छी तरह से इसको भून रहे हैं। देखिए दोस्तों एक्सीडेंट हो गया है और यही मेरा उस्ताद को हम सिखाते हैं। बगाना है तो शेर का जैसा यदि चलना है तो रात को चलिए। और ये कल का बच्चा हमको सिखा रहा है। दोस्तों अभी भालू आया हुआ था यहाँ पर, हम लोग देखे बड़ा सा था, तब तक गाड़ी रोकते रोकते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नया ब्लॉग में सबसे फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 9 बज रहा है और हमारा ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पिछला ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग उधर रुक गए थे रास्ते में बिलासपुर के पास में, तो वहाँ चले सुबह 4 बजे। तो यहाँ हम लोग अभी कटघोड़ा लगभग पहुँच गए, हम लोग कटघोड़ा के पास में है, तो यहीं पर रुके हुए थे, थोड़ा बर्फ वगैरह कर रहे थे। इतना अच्छा जगह है, पूरा हरा हरा एकदम, पूरा पहाड़ी भी है इधर, एक दूर में पहाड़ी में मंदिर में भी है, लेकिन उतना तो चढ़ नहीं सकते हम लोग। मेरा गाड़ी भी देखिए कितना अच्छा रोड साइड में खड़ा है, मतलब बहुत ही शानदार जगह लग रहा है हमको। मतलब फांका है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। यहाँ बगल में होटल भी है, यहाँ होटल में भी हम लोग अभी चाय उजा कर पिए अभी हम लोग जा करके। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का क्या है ना कि आज दिन है बुधवार, तो आज हम लोग को यहाँ से करीब सफ़र काटना है काफ़ी। जानवे दशहरा आ रहा है, तो दशहरा के लेकर के हम लोग थोड़ा जल्दी में है कि जल्दी जा करके खाली करके उधर से वापस आ जाए, तो अपना जा करके हो सकता है कि रामगढ़ में या जामताड़ा में कहीं भी तो आकर अपना दशहरा मना लेंगे। उधर से अगर आते हैं तो जामताड़ा होता है तो रोहित को वहीं दशहरा करा देंगे, हम रामगढ़ आ जाएंगे, रामगढ़ भी मना सकते हैं। देखते हैं वहाँ जाने के बाद मालूम चले कहाँ का माल होता है क्या होता है। तो कोई भी त्यौहार होता है तो आदमी को थोड़ा फास्ट चलना चाहिए, त्यौहार में फंसने के चलते कि आदमी को फास्ट चल। इसलिए देखिए हम इस बार घर छोड़ दिए, इधर से ही निकल रहे हैं हम कि जाएंगे जल्दी खाली करेंगे लोड करेंगे तो फिर अपना त्यौहार फैमिली बच्चा के साथ में मनेगा। तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से। दोस्तों वहाँ से चाय पी के निकल गए थे हम लोग, कुछ दूर चले तो इधर टॉप रोड है, तो हवा लग कर रस्सी हमारा लगता है खुल गया, रस्सी देखने लटक रहा बाहर से, लगता है रस्सी मेरा खुल चुका है, अब रोक करके कहीं रस्सी बांधना पड़ेगा पहले, अगर नहीं बांधेंगे तो तिरपाल भी फट जाएगा और रस्सा और भी ढीला हो सकता है। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में एक चीज़ हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग का काम बहुत अच्छा चलता है, जैसे डंपर वाला हम देखते हैं रायगढ़ क्षेत्र में है, इधर कोरबा, इधर अंबिकापुर। पहले तो जिस समय MP था उस समय तो कोलवरी उतना नहीं था, एक दो था, और अभी तो इतना मतलब कोयला निकल गया हर जगह से ना, ट्रांसपोर्टिंग का काम यहाँ बढ़ गया है। और जितना देखिएगा बड़ा बड़ा जो हम लोग तो डंपर बोलते हैं, टेलर वाला डंपर, बड़ा बड़ा डंपर सबका अपना बहुत अच्छा काम है, इसमें कई ड्राइवरों का रोज़गार भी मिला हुआ है, कई ऑनरों लोग जो गए उनके लिए भी अच्छा है कि भाई उनका गाड़ी चल रहा है। तो कोलवरी में भी लोग नंबर लगा के माल ढोता है। हाँ एक चीज़ है कि ये रोड बनने से अभी सामने से भी देखिए डंपर आ रहा है, तो ये सब कोयला जो है लाना ले जाना मतलब बहुत अच्छा काम चल रहा है इधर छत्तीसगढ़ में कुछ एरिया में। देखिए दोस्तों कल से तो फैक्ट्री से निकले, मतलब भिलाई से वहाँ से लोड करके निकले हैं, तो हम तो बोले थे जाने के लिए वो रोड में, तो देखिए रोड का हालत और अभी समय टूटने लगा हम लोग का धीरे धीरे अब, और दो से तीन दिन नवरात्रि और बचा हुआ है, तो अभी चिकन मटन खा सकते हैं, मतलब खा लेते हैं आज और कल खा लेंगे और उसके बाद नहीं खा सकते हैं, तो समय टूट जाएगा हमको लग रहा है जाते जाते। तो देखिए सरकारी प्लांट है, बड़ा बड़ा साहेब है, बड़ा बड़ा बाबू है, उसका मनमर्जी चलेगा, हम लोग का तो मनमर्जी चलेगा नहीं, खाली लिख दिया तो हो गया एक ही बार कहानी ख़त्म, उस जगह पे गाड़ी खाली नहीं होगा, बंद रहेगा कुछ दिन तो बंद रहेगा, हमको भी ये पता है, वो लोग छुट्टी में रहेगा। नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है ना, बड़ा पूजा है, साल में बड़ा त्यौहार आता है, हम लोग का तो किस्मत में लिखा हुआ नहीं, सबसे मतलब हम लोग का कपार फूटा हुआ है और मतलब अब और नहीं हो पाएगा, और जो होली दीपावली मिलता था वो और सब मिलेगा नहीं, रामगढ़ में कभी नहीं हो पाएगा, ये भी समझ लीजिएगा हम रहते हुए। दोस्तों मार्केट में सामान लेके निकल गए हैं, मिल गया है सब्जी वगैरह सब मिल गया, ले चुके हैं, और मेरा गाड़ी देखिए यहाँ रोड साइड में खड़ा है, तो इधर है कि पूरा ओरिजिनल मतलब छत्तीसगढ़िया जो बोलते हैं पूरा जंगल वगैरह, एक कोलवरी है ये वाला, कोलवरी लगता है कि बंद हो गया है, और कोलवरी में जो पानी रहता जमा हुआ खदान का वो पानी यहाँ निकलता है, बहुत साफ पानी रहता है, तो हम लोग जा रहे हैं वहीं पर नहाने के लिए, बोले कपड़ा खींचने की जगह नहीं मिलेगा, कपड़ा कहीं और खींचा जाएगा वो अलग बात है, तो नहा लेते हैं पहले नहा धोवा के, कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मज़ा भी आएगा नहाने में, एक झरना का माफी पानी से पाइप गिर रहा है, नहा लेते हैं। खदान वाला पानी आ रहा है ना, हम बोलते हैं लड़का लोग को कि पानी पीने वाला नहीं है, भले नहा वाला वो चलता है। दोस्तों नहा के तो आ गए, बहुत अच्छा हुआ, पानी चलता रहता है खदान वाला, आप लोग बताए भी थे तो उसी में नहा लिए, कोई मग्गा की जरूरत नहीं, कोई बाल्टी जरूरत नहीं, लेकिन यही कि नहाते नहाते कई बार डर भी होता है, लाइन कट गया तो पानी भी चला जाता है, तो कई ड्राइवर नहा रहे थे हम साथ में, सब बता रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि साबुन लगा लिया लाइन चला गया तो दिक्कत होता है, इसलिए बाल्टी लेके आदमी कोई आदमी रखता है स्टॉक में, और ये पानी पीने लायक नहीं है। और वहाँ बहुत अच्छा किया है कि पेड़ में बोर्ड भी लगा दिया है कि ये पानी पीने लायक नहीं, क्योंकि खदान का
गंदा पानी है, वो देखने में साफ लगता है, नहा सकते उसमें। दोस्तों देखिए आज हमारा चिकन बन रहा है और देसी चिकन लाए हैं, देख सकते हैं लेग पीस। और बनने का कारण है कि अभी नवरात्र आ जाएगा तो बंद हो जाएगा, और रोहित का भी डिमांड था कि घर तरफ नहीं जा रहे हैं तो जब तक दशहरा नहीं आता तब तक हमको ये चिकन मटन बनाए कीजिए गाड़ी में। तो ठीक है आज तो खैर बन जाएगा, आज बुधवार है कोई दिक्कत नहीं है, फिर कल नहीं बनेगा, कल गुरुवार हो जाता, बिफे हो जाता, नहीं बनता है। तो इस टाइप का लेकर के ज़्यादा दिन तो समय बचा नहीं है ऐसे भी, हम चलो ठीक है कोई बात नहीं बना लेंगे। तो उसका थोड़ा डिमांड पूरा किया जा रहा है कि दशहरा से पहले जितना बार होता है एक दो बार हमको बना के खिलाइए, ठीक है। दोस्तों प्याज तो मेरा आधा लाल हो चुका है और ये तो देसी है तो थोड़ा पहले ही डालना पड़ेगा क्योंकि प्याज ही भुंजाएगा और ये भी भुंजाएगा। और तो रोहित भी नहा आ गया, देखिए वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ मोबाइल देख रहा है। ठीक है दोस्तों इसको बन डालते हैं, अभी अच्छी तरह से धो धा के रखे हैं, दो तीन पानी से धो दिए हैं, अब इससे क्या होगा समय का ही बचत होगा, प्याज भी भुंजाएगा और ये भी भुंजा जाएगा। दोस्तों यहाँ जो देसी दिया है चिकन, यहाँ पर गोटा मतलब गोटा मुर्गा लेना पड़ता है, तो गोटा मुर्गा दिया 350 रुपये के जी। देसी जो होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है, फार्म वाला तो सोचिए 2 किलो 1.5 किलो तक का वजन आता है, तो इसीलिए हमको डबल लेना पड़ता है क्योंकि हम लोग 3 आदमी हैं। दोस्तों ये भूंज रहे, ओ देखिए आ गया, इधर थोड़ा भूख लग गया, टाइम हो गया ना, भूख लग गया ना, अब ये बच गया। हाँ तो कोई बात नहीं है, नहाना धोना नहीं होता तो जल्दी बन जाता खाना, देख लो तो चिकन अभी तरी बन गया है। अच्छा दोस्तों मसाला डाल दिए हैं अभी और पूरा अच्छी तरह से इसको भूंज रहे हैं। जैसे हम देखे कई बार पहले भी, पानी अगर बिना सुखाए उसी में लोग मसाला डाल देता है तो थोड़ा सा हमको थोड़ा सा सीझा हुआ टाइप का लगता है। अब ये सब चीज़ ऐसा है कि कम से कम तेल जब तक भुंजाएगा नहीं ना अच्छी तरह से तब तक थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। दोस्तों रोहित को भूख लग गया था बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर, तो देखिए मांगा हमसे कि हमको अभी दो तो दिए, थोड़ा भूख लग गया होगा, सिंघाड़ा खाया चार को चार खाया था ना है। दोस्तों अभी गाड़ी में तो पापा खाना बना रहे हैं और हमको बोले कि बोतल में पानी ले आने के लिए क्योंकि जो प्लेट वगैरह है वो सबको धोना पड़ता है, तो पानी नहीं है प्लेट धोने के लिए, तो देख सकते हैं यहीं पर पानी लेने के लिए आए जहां हम लोग नहाए थे। दोस्तों पानी ले लिए अब जाते हैं यहां से। इसी से बर्तन धोया दिया, खाना तो अपना बन गया, अब चले खाना खाने की तैयारी करते हैं अब हम लोग। दोस्तों मेरा खाना बन गया, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया है, अब चले खाने के लिए। देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा चावल हम ही लिए, मुर्गा के चलते लोग चावल कम खा रहा है। हाँ, लोग खा करके यहाँ से निकलना भी है कि सफ़र भी काटना है। बस 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 कर, बर्दाश्त करो, देखा जाए अब मिलाया जाए। ये देखिए सबसे ज्यादा मेरा शुभम को दिए, फिर उस्ताद, फिर हम। हाँ, हम ज्यादा। देखिए दोस्तों खाना खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, हम ये वाला बोलते हैं उठा देने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती बोलता है बिछा देने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, शरीर को पसीना कर देता है, हमको गुस्सा लग जाता है, एक दो बार कर देता है, उठा के उधर कर देते हैं। दोस्तों खाना खा लिए, अब हम लोग थोड़ा सा लेट भी गए थे आधा घंटा, और ये बेडशीट है इसको तो बिछा के रखना ही है क्योंकि खाना खाने टाइम उठा देना है, ठीक है। हाँ वेलवेट है, थोड़ा गर्मी में दिक्कत करता है, ठंडा के टाइम में फ़ायदा देगा, यही फ़ायदा देगा। ठीक है दोस्तों अभी थोड़ा सा धूप भी है, चलते चलते धूप भी ख़त्म हो जाएगा और निकलते हैं। उम्मीद है कि अंबिकापुर के पास में पिछले बार जो रुके थे अंबिकापुर के उस पार, फिर अगर कोई अच्छा टाइम से पहुंच जाएंगे तो चले जाएंगे वहीं अंबिकापुर पार कर जाएंगे, नहीं तो अंबिकापुर आसपास फिर रुकेंगे, फिर अपना उधर से दिन दिन का सफ़र में जो काटना है वही चलेंगे।
देखिए दोस्तों, एक्सीडेंट हो गया है, मतलब टर्निंग से पूरा स्पीड घुमा होगा तो टर्निंग में एक्सीडेंट हो गया है। और यही मेरा उस्ताद को हम सिखाते हैं, जो टर्निंग में कभी भी स्पीड मत चलिएगा। और मेरा उस्ताद बहुत स्पीड चलता है, हम तो कभी बहुत चिल्लाते हैं कि उतना स्पीड का भगाना क्या मतलब है, भगाना है तो शेर का जैसा यदि चलना है तो रात को चलिए, तब मानेंगे शेर है, दिन को चलना मतलब गीदड़ है। दोस्तों वो गाड़ी तो सही में टर्निंग में ही पलटा है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होगा, इधर से डाउन भी है, देख सकते हैं हम चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, इधर से डाउन भी है, ज़्यादा स्पीड में चला होगा, टर्निंग काट दिया होगा, उसके चलते गाड़ी ठेका गया, तो गलत चल है वो। और ये कल का बच्चा हमको सिखा रहा है, जबकि आज हमको 25 साल से कई ऊपर ही हो गया है गाड़ी लाइन में, हमसे ही सीख रहा है, हमको ही सिखाता है। ठीक है, हम कल का बच्चा है और मेरा उस्ताद 25 साल से 30 साल ड्राइविंग हो गया, लेकिन मैं अधिक से ज़्यादा देखता हूँ। हाँ, जीना है तो शेर का जैसा जियो, दुए दिन जियो, लेकिन शेर का जैसा जियो, गिदड़ का जैसा मत जियो, मैं इतना ही बोलूँगा। जीना है तो दुए दिन जियो, लेकिन शेर का जैसा जियो, लेकिन गिदड़ का जैसा मत जियो। और वही बोलता हूँ, दिन को स्पीड भगाना मतलब गिदड़ हो गया। अरे ड्राइवर के लिए, जो ट्रक ड्राइवर के लिए, उसको रात के लिए, तो वैसे गाड़ी नहीं चलाया जाता। और मेरे को बोल रहा है सिखाने के लिए, मेरा उस्ताद ऐसे भी 5-6 जगह गलती किया है, हम बोले ऊपर वाला का कृपया है, आज तक मेरे साथ मेरे लाइसेंस में दाग नहीं लगा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ मेरा में नशा नहीं है, क्योंकि नशा हम ये नहीं कर रहे हैं कि हर आदमी उन्हें ठोकता है, बहुत आदमी सही भी है, बहुत सा आदमी भी नशा नहीं करता है, बस नशा से जो बचेगा वो एक्सीडेंट से ज़रूर बचेगा, बस यही होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग तो भालू को देखने आए, लेकिन भालू तो वहाँ से मतलब स्पीड घुस गया, तो हम लोग दोनों मतलब खाली पैर में आए, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया सुबह, मतलब उतना मतलब शाम हो गया ना, देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन आज पहली बार लाइव में हम भालू देखे, पहली बार लाइव में। कभी जू नहीं गए थे? नहीं दोस्तों, अभी भालू आया हुआ था यहाँ पर पूरा रोड साइड में, तो पब्लिक देख के भाग भी जाता है भीड़ भाड़ में, तो वो अभी अंधेरा पड़ गया, अंदर में दिख नहीं रहा, हाथी भालू ये सब एरिया में है, और हर जगह बोर्ड लगा हुआ है कि सावधान रहे, भालू है, हाथी है। हम लोग देखे बड़ा सा था, तब तक गाड़ी रोकते रोकते वो भाग गया गाड़ी देख करके। 50 रुपया सर, डब्बा गाड़ी कोई हाथ ही नहीं देता है। सर डब्बा गाड़ी कोई हाथ ही देता है सर, डब्बा गाड़ी कोई हाथ नहीं देता, कैसे हम लोग आ रहे हैं बताइए। दोस्तों ये जंगल एरिया है, जंगल एरिया में क्या आगे थाना वाला चेकिंग के लिए लगा देता है गाड़ी, रोड पे ब्रेकर लगा देता है, रुकवा देता है, अब रुकवा देता है तो उसमें सब गाड़ी को मतलब चेक करने लगता है, ऐसे भी रात में बहुत सा गलत गाड़ी चलता है तो चेक भी होना चाहिए। अब वही क्या हुआ कि एक गाड़ी खड़ा था तो वहाँ मेरा भी नंबर आ गया उसमें, तो हमको भी देना पड़ गया, 50 रुपये दे रहे थे, नहीं माना तो 100 रुपये ले ही लिया। अब दोस्तों बोला कुछ खर्चा पानी दे दीजिए, तो देना पड़ गया, दे के निकल गए। अभी हम जंगल वाला एरिया है ना, इसको पार भी कर देना बढ़िया बात है, इसे पार करके निकल जाते हैं यहाँ पे। दोस्तों रात का 10 बज चुका है और हम लोग अंबिकापुर पहुँच गए हैं, तो अंबिकापुर पे खड़ा है, पेट्रोल पंप में गाड़ी लगा दिए हैं, दिन में तो अपना चिकन बना था तो वही अभी रात में ही बचा हुआ है वो खा रहे, थोड़ा सा कम लग रहा तो अंडा भी ले लिए हैं, तो अंडा भुजिया ही बना लिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, खाना वो खा के यहीं हम लोग सो रहे हैं, यहाँ से फिर 4 बजे निकलेंगे, फिर अपना बिहार झारखंड का रूट आगे चालू हो जाएगा। थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ से अभी है 50-60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर बॉर्डर पड़ेगा यहाँ से, फिर वहाँ से हम लोग झारखंड ही निकल जाएंगे, और झारखंड से भी थोड़ा का आगे जाएंगे तो फिर बिहार आ जाएगा। तो झारखंड बिहार में कुछ बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ का ही बॉर्डर है, उसको रामानुजगंज बोलते हैं, उसी बॉर्डर से जाएंगे हम लोग। तो ठीक है, अभी खाना खाते हैं हम लोग। दोस्तों खाना तो हो गया, इसी पंप में जा रहे सोने के लिए, देख सकते हैं बहुत सा गाड़ी लगा हुआ है, और पिछले बार रुके बहुत सा गाड़ी यहाँ खड़ा भी हो जाता है, अभी तो खैर थोड़ा सा पोजीशन ख़राब है मार्केट का, इसके लिए गाड़ी नहीं दिख रहा है, तो पिछले बार आए तो पूरा लोकल गाड़ी से पूरा भरा हुआ था यहाँ पर। तो दोस्तों आपको यहाँ से हम 4 बजे सुबह उठ के चलेंगे, यहाँ पर दरवान वगैरह गार्ड वगैरह भी सब कुछ है, और आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा अपना झारखंड का बिहार का सब सफ़र। देखते हैं कल का दिन भर में रात तक कहाँ तक पहुँचेंगे, वो तो कल ही पता चलेगा दोस्तों। तो ठीक दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।